कि राजस्थान की जनता का खरी कमाई का पैसा कैसे इन्होंने लुटाया है। यहां लगभग 1500 से ज्यादा अध्यापक अधिशेष भी हैं और प्रतिनियुक्ति के भी हैं जिनको डेपुटेशन कर रहे हैं, वैसे बैठे हुए तो मतलब ही नहीं। कुछ भी जो विद्यालय में गया हूं मैं, तो कुछ विद्यालय में कक्षा 1 से 3 तक तो कोई बच्चा ही नहीं है, अध्यापक है, उसके 4थी 5 में एक एक बच्चा परीक्षक है, टीचर्स हैं, बच्चे है ही नहीं। और कहते हैं हम महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं, महात्मा गांधी को कितना अपमानित कर रहे हैं ये, उसके हद नहीं, महात्मा गांधी की जय जयकार की बातें करते हैं। ये घोर महात्मा गांधी जी का अपमान है कि शिक्षण संस्थाओं संस्थाएं गंदगी के ढेर से घिरी हो। यहां भी गया मैं, गंदगी के ढेर मिले, एक विद्यालय थोड़ा सा सामान्य सा मिला मुझे, उसके अलावा तो गंदगी के ढेर है। चाहे शौचालय देखो, चाहे उसका कमरों का अंदर देखो, चाहे उसका प्रांगण देखो, सब जगह यही स्थिति है। मैं पंचायत राज की पंचायत भवनों में गया, वहां की भी स्थिति बहुत खराब है। यानी ग्राम विकास अधिकारी सरपंच अपने शौचालय को साफ नहीं रख सकता है, चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं, शौचालय के ताले हैं, वहां आगंतुक को पेशाब भी नहीं करने देते, वो कहते गंदा हो जाएगा एक दिन पेशाब कर देते, तो शौचालय के लिए वो उसका उपयोग तो करेगा, आगंतुक कहां जाएगा। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत कष्ट हुआ है कि कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार से राजस्थान की जनता की खरी कमाई को लुटाया। और ये कांग्रेस है ना, छात्रों की दुश्मन है, क्योंकि शहरों में तो शिक्षकों की भरमार है लेकिन विद्यार्थी नहीं है, गांव में विद्यार्थियों की भरमार है लेकिन शिक्षक नहीं है, अध्यापक नहीं है। ये मेरे समझ नहीं आ रहा कि आखिर में छात्रों के दुश्मन बने क्यों, छात्रों ने बिगाड़ा क्या इनका, और छात्रों को अंधकार में ढकेलना ये देश के साथ दुश्मनी निकालना है। ये देश के प्रदेश के बच्चों को यदि आप अनपढ़ रखोगे तो उनके साथ जाति हमारा जाति होगी। मैं इसको समान अनुपात में सभी जगह अध्यापक लगाऊंगा। राजस्थान में यह सच है कि 25% के लगभग अध्यापक कम है, तो उसी अनुपात में सब जगह कम होना चाहिए, पर यहां तो भरमारे और वहां विद्यालय खाली पड़े। मैं कोशिश करूंगा जो मेरे पास अध्यापक हैं उनका किस प्रकार से ठीक तरह से उपयोग कर सकूं, तो कोशिश करूंगा। जो गंदगी के बारे में मैंने सबको कहा, चाहे वो पंचायत राज के अधिकारी हो चाहे शिक्षा विभाग के, यदि आप अपने विद्यालयों की साफ सफाई ठीक प्रकार से नहीं रख पाते हैं और आपको लगता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे साफ सुथरे विद्यालय भेज दूंगा जहां पर साफ सुथरा भी रहता है और गांव के लोग भी सफाई करते हैं और सब लोग सहयोग करते हैं ताकि विद्यालय साफ रहता है। वो गांव में है, ऐसे विद्यालय में भेज दूंगा ताकि आपको साफ सफाई नहीं करना पड़े, उसके लिए तैयार रहे। अब देखो उनको लगता होगा कि हम साफ सफाई नहीं कर सकते, साफ स्वच्छ विद्यालय में जाना चाहते तो भेज दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। विद्यालयों में शिक्षक नहीं है और एक तरफ डेपुटेशन की एक संख्या जयपुर में जो बड़ी तादाद में, डेपुटेशन भी क्या निरस्त होंगे इस पर क्या? डेपुटेशन निरस्त करने के लिए मैंने आदेश दे दिए, अधिकांश डेपुटेशन निरस्त हो गए। मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार परसों की तारीख से 2 दिन की तारीख तक हुआ तो लगभग 900 से ऊपर ऐसे अध्यापक जब रिलीव नहीं हुए। मैंने हमारे जो निदेशक है शिक्षा के मोदी जी उनको कह दिया है कि आप सब डीओ से लिखा के लेने के बारे में डेपुटेशन में कोई नहीं, और फिर भी पाया गया तो मैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा कि उन्होंने अभी तक रिलीव क्यों नहीं किया या जहां गए थे वहां से क्यों नहीं मंगवाए। चाहे वो किसी के भी आदेश हो, चाहे वह डायरेक्टर के आदेश हो, चाहे डीओ का आदेश हो, चाहे कलेक्टर के आदेश हो, चाहे एसडीओ के आदेश हो, किसी के भी आदेश से हो अब उनको रिलीव होना पड़ेगा। यदि जिला कलेक्टर को चाहिए कि हमको चुनाव के लिए तैयारी के लिए कुछ चाहिए तो वो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों से मेरे संपर्क करेंगे तो हम जहां उसको जरूरत है वहीं से देंगे। ऐसा नहीं कि जयपुर में जरूरत हो तो 1200 उठा लाए, जयपुर में जरूरत हो तो बाड़मेर से ले आए, ये नहीं चले देंगे। सर ड्रेस कोड को लेकर के क्या स्टैंड है डिपार्टमेंट का, क्योंकि ड्रेस कोड को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि हिजाब को बैन कर दिया गया राजस्थान से, इस तरह के बैन है, ये गलत समाचार है आप लोगों के पास। हम हिजाब के विरोधी है ही नहीं, कोई भी पोशाक कोई भी ड्रेस आम जन पहन सकता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए तो विद्यालय में ड्रेस जिसको पोशाक भी कहते हैं गणवेश भी कहते हैं वो जो तय गणवेश है वही पहनकर आना पड़ेगा। और यदि किसी को आपत्ति के मैं गणवेश तो नहीं पहनूंगा
तो वो दूसरे विद्यालय में चला जाएगा गणवेश के छोटे। सर एक शिक्षा विभाग के अंदर सिविल वर्क जो होता है वहां पर थर्ड ग्रेड टीचर लगेगा, बहुत बड़ी संख्या है, और भी जो पढ़ाने वाले टीचर है वो शिक्षा विभाग में सिविल वर्क कर रहे हैं सर बहुत लंबे वक्त से, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उन्हें भी हटाया जाएगा? लगभग 200 ऐसे कर्मचारी है, ऐसे टीचर्स हैं। देखो या किसी को हटाने के पक्ष में नहीं, हमारा तो छात्रों का हित सर्वोपरि है, छात्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो जो कृत्य करने से अध्यापकों के कृत्य करने से छात्रों को नुकसान होगा उन अध्यापकों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे या वहां से हटाएंगे। सर क्या राजस्थान के स्कूलों के अंदर भी सरस्वती जी की प्रतिमा रखी जाएगी, प्रदेश के सभी स्कूलों में इस तरह का कोई आदेश शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाएगा? मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई आदेश हो, लेकिन ये जानकारी जरूर है कि अनादिकाल से चाहे गुरुकुल रहे हो चाहे आज जो विद्यालय करते हैं वो हो, ये परंपरा चली आई है कि विद्या मंदिर में यानी विद्यालयों में सरस्वती माँ की मूर्ति या चित्र होता ही है, होना ही चाहिए, क्योंकि हम जिसको आदर्श मान करके और शिक्षा ग्रहण करते हैं वो विद्या की देवी है, तो फिर उस विद्या की देवी का चित्र या मूर्ति हमारे विद्यालय में क्यों नहीं होनी चाहिए? मैंने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया, न आदेश है, मैंने कहा है गणवेश पहन कर ही आएंगे। 14 फरवरी को मातृत्व दिवस मनाने की बात कही थी, क्या उसको शिक्षा के कैलेंडर में भी अवैध किया जाए? मात्र पिता दिवस नहीं, मात्र पितृ दिवस है। 14 जनवरी को वैलेंटाइन डे के नाम पर कितनी फोड़ता होती है, तो पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय वासुदेव जी देवनानी ने अच्छा निर्णय किया था, मैं उसके उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ। उन्होंने कहा था कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे हम, वो किन्हीं कारणों से उसको साकार रूप नहीं मिला। आज हमारे सम्मानीय माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं, मेरी ड्यूटी बनती है कि उन्होंने जो प्रयास किया था उनको प्रयास में पूरा करूँ, क्योंकि अभी 14 दिन ही बचे तो शायद इसमें पूरी व्यवस्था नहीं कर पाए। यदि हम व्यवस्था नहीं कर पाए इस बार तो अगले वर्ष से तो इसको जिसको वैलेंटाइन डे लोग कहते हैं वो मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाएंगे। देखो मुझे मोटी मोटी जानकारी मिली जो है कि उसाइद जिले भाई पेंशन हुआ था और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि भाई हम नहीं रहेंगे और इसलिए हम इस जिले में गए हैं, तो मंत्रिमंडल इस बात में क्या निर्णय करता है, तो जो भी मंत्रिमंडल में विचार करेंगे जो भी निर्णय करेगा उसके अनुसार काम करेगा। शिक्षकों को भी ट्रांसफर हो सकता है? अभी वही तो पूछा होगा, टीचर से भी नहीं थे, उनके नोटिस दिया जाएगा जवाब ऐसा तो फिर मुझे मिला नहीं कि टीचर्स नहीं थे, लेकिन एक दो टीचर्स ऐसे थे युवा नहीं थे लेकिन छुट्टी के अपेक्षा मार गए, पर मैं इससे खुश नहीं हूँ। जब तक छुट्टी स्वीकृत नहीं हो तब तक उसको छुट्टी पर नहीं जाना चाहिए। आवेदन करने के बाद विधिवत जो सक्षम अधिकारी है चाहे उनका प्रिंसिपल हो या महाध्यापक हो वो छुट्टी लिखित में स्वीकृत करे और उसके बाद इनको छुट्टी पर जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस है, हम कागज डाल गए चले गए, कोई देखने नहीं आया तुम्हारी साठ गांठ प्रिंसिपल साहब से कागज वापस ले जाओ दस्तखत कर दिए, ये अब चलने वाला नहीं है। उनको लिखित में छुट्टी लेकर जाना ही पड़ेगा, बिना लिखित के नहीं जाएंगे, छुट्टी नहीं मानी जाएगी। थर्ड ग्रेड नहीं, दूसरे भी जो टीचर्स हैं शिक्षा विभाग में इनकी ट्रांसफर को लेकर सबकी कोई पॉलिसी बनेगी या रूटीन जिस तरह से डिजायर से ट्रांसफर होते हैं या पॉलिसी बनाने में टाइम लगता है, तो मैं समझता हूँ कि इतना जल्दी तो पॉलिसी बनाना संभव नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगामी समय में पॉलिसी विचार करें, बनने के बाद तो वो सब मंत्रिमंडल में जाएगी और मंत्रिमंडल जो निर्णय करेगा वैसा कर लेंगे। सर 15 तारीख से योग अभ्यास शुरू होगा स्कूल में, सूर्य नमस्कार होगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस चीज पर आपत्ति दर्ज की है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री नहीं होकर के आप संघ के मंत्री हैं, उनका ये कहना है आपसे ये सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सोच हमेशा राष्ट्रीय रहता है, देश हित में रहता है, समाज हित में रहता है। मैं कहता हूं पूरे देश को वो उसी एजेंडे पर काम करना चाहिए, वो एजेंडा आरएसएस का नहीं है, वो एजेंडा होता है पूरे देशवासियों का होता है। तो ये कहता है एजेंडा आरएसएस का है,
सही से सबको देशभक्ति सिखाओ, सबका चरित्र निर्माण करो, व्यक्ति का निर्माण करो, ये यदि आरएसएस का ही है, देश का नहीं, तो गलत बात है। ये तो एजेंडा पूरे देश का है। सब ईमानदार रहना चाहिए, देशभक्त रहना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, तो पूरे देश का है। अरे पूरे देश का एजेंडा है, हमारा भी है। शिक्षा विभाग में जो भर्तियां है, चाहे नेट लेवल 1 हो या 2 हो, उसमें ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी अटकी हुई है, और वो इसलिए अटकी हुई है कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोर्ट में कोई पक्ष रखने वाला नहीं है। ये सच है। जैसे कुछ बच्चों ने मेरे पास कहा है, कांग्रेस को चाहिए था कि अपना उस समय अपना पक्ष ठीक से रखवाते, और जो कोर्ट में मामला चल रहा है, तो मैंने अधिकारी को निर्देश दे दिए कि अपने प्रॉपर वकील भिजवाएं और माननीय अदालत की जो सुनवाई होती है उसमें शामिल होती।